अजमेर में गुरुवार का दिन दो राजनीतिक दलों द्वारा शक्ति प्रदर्शन के नाम रहा। हालांकि कानून के बीच किसी को बोलने का हक नहीं, बावजूद इसके लोकतंत्र में अपनी बात रखने की आजादी सभी को है। फर्क इतना है कि बात को कैसे, किस वक्त और किस अंदाज में रखा जाए। यूथ कांग्रेस के वाजिद खान चीता को 28 सितंबर को हुए ललित शर्मा पर जानलेवा हमले में मुख्य आरोपी बनाए जाने से खफा चीता मेहरात काठात महासभा के बैनर तले गुरुवार को सैकड़ों लोगों ने जिला और पुलिस प्रशासन के सामने शक्ति प्रदर्शन कर कलेक्टर के सामने बेगुनाही पेश की। वाजिद ने मीडिया को दिए बयान में बताया कि वह मसूदा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का इच्छुक है, इसलिए रंजिश और ईर्ष्या की वजह से बड़े नेता उनकी छवि धूमिल करने में जुटे हैं। इस काम में रामगंज थाने के सीआई कुशाल चोरड़िया भी एक निर्दोष को दोषी बनाने में लिप्त हैं। इसलिए कलेक्टर से न्यायोचित जांच की अपेक्षा करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुझे 120 बी में फंसाने की साजिश की गई। साजिश ऐसी की गई, उसके पीछे मकसद इतना ही था कि इसकी राजनीतिक हत्या कर दी जाए। अब वो साजिश कौन कर रहा था मैं नहीं जानता। मैं आपसे आगे को कहूँगा, क्योंकि आप पूछेंगे कि आपने मोबाइल बंद किए थे। हाँ, मैंने मोबाइल बंद किए थे। मैं अपनी बेगुनाही के सबूत ढूंढ रहा था और जहाँ मुझे लगता था कि मुझे इंसाफ मिलेगा वहाँ मैं घूम रहा था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने गुरुवार को एबीवीपी के प्रदेश सहमंत्री चंद्रभान गुर्जर, गोपाल गुर्जर और साथी आरोपी छात्रों पर ट्रेम्फ अकादमी में तोड़फोड़ के साथ लूट की जोड़ी गई धाराओं को झूठा बताकर हटाने की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ के दौरान ट्रेम्फ अकादमी के प्रोपराइटर द्वारा लूट की धारा 379 भी लगाई गई। एबीवीपी के छात्रों ने निष्पक्ष जाँच और कार्रवाई की मांग करते हुए धारा 379 हटाने की मांग की। वहीं देवसेना के जिलाध्यक्ष नंद किशोर गुर्जर ने तोड़फोड़ की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए चोरी के आरोप को निराधार बताया। पुलिस प्रशासन द्वारा जो धाराएं लगाई गई है 379, जो कि एक आदतन अपराधी के ऊपर लगाई जाती है, वो एक छात्र के ऊपर जो धाराएं लगाई गई है, इसके खिलाफ कल भी हम सोनवाल साहब से मिले थे, आज फिर हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। कलेक्टर साहब को सारी बताई अभी थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि हम इस चीज को गहराई से देखेंगे। झूठा मुकदमा है, क्योंकि जिस प्रकार की स्टूडेंट की मांग को लेकर वो गए थे और उन पर एक अपराधी के माफिक मुकदमा दर्ज कराया गया है, इससे पूरी विद्यार्थी परिषद खौफजदा है। इस कारण सभी विद्यार्थी पूरे अजमेर जिले के, प्रदेश भर के सभी छात्र सड़कों पर उतरेंगे। आज शाम को उनकी पेशी है, उससे पूर्व अगर उनके ऊपर लगाई हुई जो कुछ गलत धाराएँ हैं अगर नहीं हटाई जाती तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे पूरे अजमेर जिले पर और पूरे राजस्थान लेवल पर।